सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई हुई। अदालत की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकर लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को हर जरूरी जानकारी देनी होगी। इस पर एसबीआई ने कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई थी तो अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर एसबीआई से सवाल किया था। अदालत ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है। यूनिक नंबर के जरिए ये पता चला सकता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया और चंदा देने वाले शख्स और कंपनी कौन थी। आगामी लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह बात फैलाई जा रही है कि पीलीभीत से सपा का टिकट बसपा को मिलेगा। एसपी की इस लिस्ट में जहां 3 नाम है वही वरुण गांधी का भी नाम है। इस लिस्ट के आते ही राजनीति गलियारों में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लिस्ट में 3 नाम है। इसमें उन्होंने वरुण गांधी को फिर से सपा के टिकट पर पीलीभीत से उम्मीदवार बनाने की मांग की। इसके साथ ही जैनपुर से श्रीकला रेड्डी और मछली शहर से रागिनी सोनकर को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि क्या बीजेपी सांसद वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं? क्या आप इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या उन्हें बीजेपी से टिकट मिल गया है? इस दलील में सच्चाई ये है कि अब इसका जवाब समाजवादी पार्टी की ओर से आ गया है। सोशल मीडिया पर सपा का यह ऐलान कि वरुण गांधी की सपा का टिकट दिया जाएगा खूब चर्चा में है। समाजवादी पार्टी ने ऐसी किसी सूची में इनकार किया है। पार्टी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूची फर्जी है और इससे सावधान रहना चाहिए। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलीसाई ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलीसाई ने राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। तमिलीसाई तेलंगाना और पुडुचेरी के उपराज्यपाल बनी हुई है। उन्होंने घोषणा की है कि उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह फैलाया जा रहा है कि तमिलीसाई सौंदर्यराजन अगले लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से चुनाव लड़ेगी। इस बीच खबर है कि तमिलीसाई सौंदर्यराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल तमिलीसाई सुंदरराजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा। खबर है कि बीजेपी सांसद का टिकट चेन्नई सेंट्रल से दिया जाएगा। कन्याकुमारी तमिलीसाई का अपना जिला, इसके अलावा तमिलीसाई कन्याकुमारी तिरुनेलवेली और चेन्नई सेंट्रल सीटों में से एक सीट से चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर उन पर तीखा कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की महिलाओं के खिलाफ बोला है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 जून को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है, मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस ने सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2022 में उनके गठबंधन के सत्ता में आने का कारण दोनों पार्टियों में फूट थी।
उन्होंने बताया कि उस विभाजन का कारण उन्हें दो दोस्त मिले। रविवार को मुंबई में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही है। उन्होंने अपने 2019 विधानसभा चुनाव अभियान के नारे में वापस आऊंगा का उल्लेख किया। फडणवीस ने कहा, मैं वापस आऊंगा और मैंने चुनाव प्रचार के दौरान हुंकार भरी थी। हमने सोचा था कि हम दूसरी बार सत्ता में आएंगे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने सरकार बनाई, उसके बाद हमने वह गठबंधन तोड़ दिया और सत्ता में आए। ये सब करने में 2.5 साल लग गई है। दोनों पार्टियां में फूट के कारण सत्ता पर कब्जा करना संभव हो गया है। इससे उसे दो अच्छे दोस्त मिल गए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे दो आजीवन मित्र मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें जीती है। शिवसेना के साथ सरकार बनाई उद्धव ठाकरे में हमें धोखा दिया, परिणाम स्वरूप हमें विपक्ष में बैठना पड़ा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। चुनाव की घोषणा के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सक्रिय हो गई है। इस बीच पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए ओवैसी ने कहा कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील AIMIM के उम्मीदवार होंगे, जबकि किशनगंज से अख्तरुल ईमान मैदान में उतरेंगे। वही ओवैसी खुद हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवारों पर चर्चा कर रहे हैं, जल्द वहां उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिया जाएगा। अभिनेत्री अनन्या पांडे 17 मार्च को मुंबई में लैक्मे फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में डिजाइनर राहुल मिश्रा के साथ स्टार्टअप बनाई। पेरिस फैशन वीक में जलीदार पोशाक के अपने मंत्र मुक्त कर देने वाले प्रदर्शन के बाद राहुल मिश्रा ने एक बार फिर अनन्या पांडे को अपना नवीनतम संग्राहक का चेहरा चुना है। जहां ऊंचे बूटे से सुसज्जित अनन्या पांडे का पहनावा एक सामंजस्यपूर्ण मोनोक्रोमैटिक शैली को दर्शाता है। रुचा छड्डा और अली फजल, विजय वर्मा, चंकी पांडे और भावना पांडे, अर्जुन रामपाल और गैब्रियला डेमोट्रेडेस जैसे बॉलीवुड के कई लोकप्रिय चेहरे फैशन वीक में ग्रैंड फिनाले में दर्शकों के बीच पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए राहुल मिश्रा ने कहा, कलेक्शन बनाने के पीछे अपना अनुभव और विचार संज्ञा किया। अनन्या पांडे ने रैंप पर चलने का अपना अनुभव की संज्ञा किया। उसने कहा, यह बहुत अच्छा लगता है, रैंप पर चलना मेरे लिए सबसे मजेदार अनुभव है। When we look at his sculpt, it's inspired from a basic idea of Michelangelo when he said famously that all the sculptures are already trapped inside the stone block. We have to just free them. So it's often the technique of subtraction. So the first part was subtraction, and we saw that like those pyramid kind of blocks, there was a kind of sculptural blocks, and how the clothes are coming out, they were kind of trapped inside those. That's the literal idea. And then second portion of the collection was your addition. How, when you add color, texture, form to a sculpture, how it becomes closer to art. So that's the whole idea. So when we look at चुनाव में बॉन्ड पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि SBI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत समझा। SBI ने कहा कि उन्हें लगा कि उन्हें खरीदार के साथ पार्टी के प्रत्येक बॉन्ड पर अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा नहीं करना होगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 21 मार्च शाम 5 बजे तक संख्या का खुलासा करने का आदेश दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने SBI को अपना नोटिस सुना। उनसे पूछा कि उन्होंने प्रत्येक बॉन्ड पर अल्फा न्यूमेरिक संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया है। खरीदार साथ ही वह पार्टी जिसने उन बॉन्डों को बनाया, अदालत ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि उन्हें तुरंत इसका खुलासा करना होगा और SBI के अध्यक्ष को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिससे कहा जाएगा कि उन्होंने खुलासा किया है अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित सभी विवरण चुनाव आयोग को तुरंत अपलोड करने होंगे। So today the Supreme Court heard its notice to the State Bank
asking them why they had not disclosed the alphanumeric details on each bond, alphanumeric number on each bond of the purchaser as well as of the party which redeemed those bonds. But before the court could hear the State Bank, there were three applications filed by the three industry organizations, FICCI, CII and ASSOCHAM, in which a prayer has been made that the bond number should not be disclosed so that the donor details don't come out. However, the Chief Justice told the lawyer for these organizations that their application was not on record, they would not be heard, and moreover, everybody was put on notice in the interim order. प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मार्च यानी आज कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति की आलोचना की और कहा कि जब भी उनके घोटालों पर कोई जांच शुरू हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी। आज कांग्रेस ने बीआरएस घोटाले पर बोलना बंद कर दिया है, जहां सारा पैसा कालेश्वरम परियोजना पर जाता है। कांग्रेस उस घोटाले पर जवाब नहीं मांग रही है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? बीआरएस भी वे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को बचा रही है। जब भी दोनों पार्टियों के घोटाले की कोई जांच शुरू होती है तो मोदी को गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा है। आज बीआरएस के घोटालों पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। कालेश्वरम स्कैम के अरबों रुपए कहां चले गए, कांग्रेस में कोई इसका जवाब नहीं मांग रहा है। और कांग्रेस जो सैकड़ों वादे करके सरकार में आई थी वो क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं? बीआरएस में कोई ये सवाल नहीं पूछता। भारतीय वायुसेना ने नीलगिरी में जंगल की आग को बुझाने के लिए कई बॉम्बे बकेट ऑपरेशन करने के लिए रविवार को AF-17B5 हेलीकॉप्टर तैनात किया। वन विभाग और राज्य प्रशासन के सहयोग से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने आग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 16,000 लीटर से अधिक पानी छोड़ा। IAAF अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पर पोस्ट किया, नीलगिरी में जंगल की भीषण आग को बुझाने के लिए अपने अग्निशामन प्रयासों को जारी रखते हुए IAAF-MI-17B5 हेलीकॉप्टर ने कई बॉम्बे बकेट ऑपरेशन किए। पोस्ट में लिखा है, पहली रोशनी के बाद से काम करते हुए हेलीकॉप्टर ने वन विभाग राज्य प्रशासन से सहयोग से आग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 16,000 लीटर से अधिक पानी छोड़ा।